क्योंकि आज है हमारी फ्रेंड के घर हमारी इफ्तारी। देखो लग रही ना पतली। ये मैंने लाइब्रेरी में से बुक निकाली थी। ये है बिल्ली की पिछो दूसरी कहा है दूसरी वो कह रही है गली शनवारी है जो सामने है। अस्सलाम वालेकुम कैसी हो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान दिस इज नियतुल मबी सो वेलकम टू नियतुल होलिक चैनल। खैरियत से होंगे जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस ये है कि मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया आजकल काफ़ी सब ज़्यादा लोगों का ऐसे गला खराब हो गया और आज का दिन हमारा बहुत 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 मजे का होने वाला है क्योंकि आज है हमारी फ्रेंड के घर हमारी इफ्तारी। मैं जाऊंगी अरीबा जाएगी हम इनशा घर जा रहे हैं इफ्तारी पर और पता नहीं इसने क्या बनाया होगा क्या नहीं। हमने लगा था हम खजूर के साथ ही रोजा इफ्तार कर लेंगे। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। मैं एक बात से ना भूल गई कि आप लोगों को लग रहा है मैं पतली हो गई हूँ। देखो लग रही है ना पतली पतली लग रही है ना। खैर अगर नहीं भी लगी तो आपने यही कहना ये ऐसा बहुत ज़्यादा पतली है क्योंकि मैं पतली रहना चाहती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पर मैं बहुत ज़्यादा पतली रहूँगी। क्या छात्रों को राजनीति से ओके गाइस तो मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट और ईद पर पता नहीं मैं कैसे लगूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया क्या पहनना है। आई थिंक कल मैं शॉपिंग पे जाऊंगी देन डिसाइड करते हैं क्या पहनना है क्या नहीं। अल्लाह मियां प्लीज़ अच्छा सा ड्रेस मिल जाए प्लीज़। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर लाइब्रेरी जा रहे हैं ना क्योंकि हमारे कहते हैं हम कुछ पढ़ लो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने लाइब्रेरी में से बुक निकाली थी ठीक है जो मैंने फ़ोन से वापस रख दिया क्योंकि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लॉयल लिम हम नहीं कर रहे हम अपर लिम पढ़ते हैं। फिर देखें गाइस हम इफ्तारी के बाद के लिए पहले चीज़ें लेने आए हैं कुछ क्या कुछ मिल जाए तो क्या लें तुम्हारे घर खाएंगे बहुत सारी चीज़ें हम खाएँगे और आप लोग जैसे बताए इसको तो खान सीखने पाएंगे दूर रहें इससे क्या लें क्यों थोड़ी तो फिर खान चले ओके तो हमने चीज़ वगैरह ले ली हैं अब जा रहे हैं हम वापस यूनिवर्सिटी। हमने सोचा कि यहीं से लेके चल जाते हैं जाके खा हो लेंगे यार इसका पानी फिर से इंशा आपको पता गाइस था इंशा यहाँ पे नहाई थी सुबह सुबह मैं आई मैंने इसको बाहर निकाला यहाँ से मेरे का प्लीज बाहर आ जाओ। कौन है ये लोग ये देखें गाइस अभी हम काम वगैरह मैं लिख रही हूँ क्योंकि अब 2 बजे तक हम वेट कर रहे हैं मेरी बहन ने आना है फिर हमें तुम्हारे घर जाना है ना तो मैं काम वगैरह लिख रही हूँ। कितने पेजेस हैं तकरीबन 100 तो होंगे और बहुत ज़्यादा है। बस ये दुआ करनी है कि मैं जल्द जल्दी लिख लूँ अच्छा सा लिख लूँ क्या करूँ सब लोग तो हमारे ना स्पोर्ट्स ही होने वाले यहाँ पे है ना स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 दिन का गाइस तो मैं तो शायद दाओ मैं तो शायद दाओ क्योंकि पेपर्स हैं हमारे आगे तो नहीं जी किसी और वजह से नहीं आना इसमें मेरी वजह से यार वो एक्चुअली शादी जा रही है और ये नहीं आ रही है और जहाँ ये नहीं जाती वहाँ मैं भी नहीं जाती अक्सर तो ऐसा ही होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं के साथ इतना नहीं हूँ बल्कि कोई मेरे साथ इतना नहीं है हर कोई पता नहीं मुझे क्यों घबराता है डरता है सब बोलता है मैं बहुत ज़्यादा चलाक लड़की हूँ पता नहीं क्यों क्योंकि मैं नहीं हूँ यार हर कोई भी ऐसा समझता है ना पता नहीं मैंने किसकी बहन चुराई है। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? ओके गाइस आप लोगों को पता है अभी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड अंकल आए थे उन्होंने कहा आके डिफरेंट टेबल्स पे खड़े हुए हमें दूर से लिपस्टिक पहचान ली। देखो अंकल कह रहे क्या कहते थे ना यूनिवर्सिटी का जिम मैं उठी थी यहाँ से कितनी एम्बेरेज है फिर हमारे पास साइंस पैच है हम भी आगे उड़ी है सोचे दिल पर क्या गुजरी होगी मतलब क्या अंकल कुछ कह रहे थे अंकल इतने बड़े हैं तो हम जा रहे हैं अभी हम निकल लगे बस घर मेरी बहन भी आ चुकी है यहाँ पे तो अब हम चलते हैं अरीबा आ जाएगा ना गाइस ये बहन है देखिए अब हमें लेने आ चुकी है मतलब हम जा रहे हैं ठीक है तो पता नहीं क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा धूप है बहुत ज़्यादा नर्वस इसलिए हूँ मैं क्योंकि इंशा की मम्मा की वजह से मुझे ये डर लग रहा है मतलब सीरियसली डर लग रहा है। चलो गाइस देखें मैंने पता नहीं क्या ही पहन लिया आज जुम्मे की मुनासिबत से मैंने पहन लिया था मगर आज का इंटरेस्ट बहुत बुरा लग रहा है लेकिन ठीक लग रहा है। चलो ये वाले गार्ड थे गाइस जो हमें उठाने आए थे हर 2 मिनट बाद आ रहे थे मुझे ये था मुझे गोलियाँ ही ना पड़ जाए। गाइस ये देखें ये तो पोल्ट्री फार्म है इंशा घर पूरा पूरा
हम एंटर हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, जल्दी जाते हैं। चलो मैं तो नहीं मिल रही भाई, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गाइस अब आप लोग देखेंगे हमने अंकल से सलाम कर लिया, इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। हम बैठे हुए थे तो हम पूछ रहे थे कि ये क्या लगा हुआ यार, मतलब ये जो गोला फूल ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रहा है ना, पता नहीं ऑरेंज ऑरेंज क्या है, पता नहीं। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जो भी होते हैं मुर्गे शुर्गे वहाँ पर बैठे हैं और बिल्लियाँ शिल्लियाँ। मैंने इसे कहा था अपने घर में हर चीज़ छुपा के रखनी है मुझसे, हर चीज़। हाँ करो, कल मैं सोच रही थी, मैं चेक करती हूँ घर में वाईफाई है या नहीं, अभी पासवर्ड सेट करेंगे, अगर कनेक्ट हो गया तो मतलब है, ना कनेक्ट हुआ तो मतलब नहीं है, झूठी भी तो हो सकती है। वो देखो मुर्गी इस साइड पे हो, क्या मुझे नहीं छूटते मुर्गे मुर्गियाँ, पता नहीं क्या कहाँ से आते हैं मूठा उठा के। हाँ तो हाँ मैंने दिखाया, ये माल्टा ही है कहीं, पता नहीं अब आप लोगों ने पता नहीं क्या है यार। देखो अगर हम ये भी कह सकते थे कि ये ग्रेप फ्रूट है, लेकिन ये वो भी नहीं है क्योंकि वो तो उसका तो होता ही दूसरा सारा है। ये देखो तुम हम फूल तो नहीं, इस मीट आऊंगे तुम यहाँ से भी दे सकती थी। खैर मैं आऊंगी तो फूल हर जगह खिलेंगे, मैं जाऊंगी तो मुरझा जाएंगे, शर्ट लगा दो। मैं कल तुम कल खुद आए कहूंगी मंडे को, अदन सारे फूल मुरझा गए। ये है बिल्ली ही पिछो, दूसरी कहाँ है, दूसरी दूर है ना इंशा मुझसे, और बस हमने देख ली यार, इंशा तुम्हें काटती रहेंगे यार। मैं कभी भी बिल्ली के साथ आ रहा हूँ, इतनी डरावनी लग रही थी, ऐसा लगता वो रीच बैठे हुए हैं। बस बंद करो, जाहिल हो रहा है, वो रीच लग रहे थे गाइस। ये देखिए गाइस मैं हो चुकी थोड़ा बहुत फ्रेश, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अपनी स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। क्या टाइम हो रहा है अभी, शायद मेरा ख्याल है 3:15 तक हुआ है यार। रीबा से पूछ लो उसने कब आना है प्लीज़, वो मेरी माँ आ जाएगी तो उसको मिल जाएगा। तो जैसे कि थोड़ी देर सो जाती हूँ मुझे, अच्छा वैसे मैं फ्रेश क्यों हुई, वैसे मैंने सोना था तो मैं फ्रेश क्यों हुई हूँ, कोई बात नहीं। लड़कियाँ सोते हुए थी कह लेते हैं, अगर हम भूत लगते थे तो मैं सोचा किसी के घर आई तो थोड़ा बहुत सुना हो जाना चाहिए। तो चलती हूँ मैं, सो जाती हूँ। तुम खड़ी क्यों देख रही हो मुझे, तुम मुझे अपनी मम्मी कहती हो जब कहती हो। ओके गाइस मैं सो के उठी हूँ, अभी भी उठी हूँ, मेरा गला इतना दर्द है, इतना दर्द हो रहा है यार। मैं आ रही हूँ तो आने लगी थी कसम, अभी वॉशिंग से आई हूँ, थोड़ा फ्रेश रख रही हूँ, इतना गला दर्द हो रहा है टूट जाएगा। खैर अरीबा नहीं आ रही ना यार, उसने पार्टी पे भी ऐसे किया था, उसने अभी भी ऐसे ही करना है, मुझे उसका बहुत अच्छे से पता है, वो है ही ऐसे मनहूस कहीं की। खैर यार पूरा लगता है इतनी देर से बोला मैं, मैंने उसे खैर देखते हैं वो आती है या नहीं। आप लोगों को पता है अरीबा नहीं आ रही थी, मतलब उसका भाई नहीं आ रहा था, पता नहीं वो कहाँ गया, उसकी किसी कज़न ने जाना था, उसकी फ़्लाइट वगैरह का इशू हो रहा था। अब मैं उसको लेने जा रही हूँ, ठीक है। इंशा घर काम शाम कर रही है सारे, और पता नहीं क्या हो बेचारी के साथ, बहुत अल्लाह करे वो टाइम से आ जाए, क्योंकि 6 बज चुके हैं और इफ्तारी में सिर्फ आई थिंक 22 मिनट्स रह गए हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि उसने हमेशा ये करता है, हमेशा हमेशा उसका ये काम होता है हमेशा। गणेश माड़ी पे हो यही पी लेती हूँ।
यार वो ना मैंने मेरे चाचू लोगों ने जाना था उम्र पे, तो उनकी फ्लाइट थी उनके मुताबिक 2 बजे लेकिन वो सुबह 2 बजे क्या लो वो सारे अभी तक एयरपोर्ट पे बैठे थे, मसला नहीं होता, उम्र में नाम ही आया। हाँ ठीक है, छोड़ने वाला कोई नहीं था। मैंने इतना अभी मैं आके इतना रो रही थी, तो फिर आके उन्होंने मुझे इस इजाई मम्मा इतनी टेस्टी सिर्फ ताली बनाई है, गला मेरा खराब है लेकिन थोड़ा और खराब कर लेते हैं, इट्स ओके। पता नहीं यार ये क्या है, ये हलवा है ये वाला यार, ये लड़े हैं आप क्योंकि अरिबा ने आपको तो पता क्या ही किया है। बहुत अच्छा मीठा एकदम मजा है ना यार, इंस्टा के तो तेवर नहीं मिल रहे। आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो मिलती नहीं है, इसको चाहिए कुर्सी और इंशरा, और यहाँ पे जैसे की नौकरानी बनी हुई है, अच्छी बात है, जिसकी सदगी होना चाहिए, सारा बुरा होना चाहिए साथ। यार तुम तो लोन का सूट पहन के आई हुई हो, आप खद्दर का मोटा सूट पहन के आई हुई हो। यार मैंने इसलिए पहना था, मुझे लगा बहुत अच्छा लगेगा। नहीं प्यारी तो लग रही है, सुगर लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिश्ता देखने के लिए आया मैं तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या ही कहें, बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत। लेकिन लोन की सूट की बात अलग होती है। हाँ ये बात भी है, सारा स्क्रिप्टेड है यार, पीछे जो है वो भी। हाँ ये तो पता नहीं क्या गया, तुम्हारे तो मुंह क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसकी किसी ने बहन चोरी कर ली है। हाँ बहन चोरी हुई है आपकी, चोरी हो गई क्या, सास मर गई है, सास मर गई है। नहीं तू तुप करके नमाज पढ़ क्या हुआ इंस्टा यार, प्लीज उसके पैरों में बैठो। गाइस आप लोगों को तो पता है भाई, 2 साल से ना हो गया, हर व्लॉग मेरे से ना जा रही हूं, बस रेडी हो रही हूं। अकेले तो तुम जाओगे नहीं, अकेले तो आप जाएंगे नहीं, तुम्हें साथ लेके जाना पड़ेगा। अच्छा क्यों सजाओगे कहां पे यार, तुम्हारे पापा को हाथ दिखाना मैंने भी अपना। गाइस मैंने सोचा क्यों कर रहा है ये, ऐसे भी लोग लोग कहते कमेंट पे अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता इसलिए। अच्छा गाइस कोई बात नहीं, मैंने तो हाथ दिखाना दिखाया, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा बहुत ज्यादा दिल है, मुझे पता है बुरा भी होगा ना, अल्लाह ना करे, मगर और ये कोई सच नहीं होता, लेकिन वैसे एक शौक किया जो भी होता है। तू तू तांदा तू भी अच्छा, चलो यार वो नमाज बच्ची नमाज पढ़ रही है, हम उसको तो यहाँ बीच में डाल सकते हैं। खैर हमने खाना शाना खा लिया, अब अपने पापा से बोलो जल्दी से वो करें। जी आप पे खड़े हो, ये क्या होता है, मैं कर रही हूँ बस, लाइक कर दे इसके व्लॉग। हाँ देखा मतलब लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, सबसे मेरे दोस्त 500 सब्सक्राइब होंगे तो इसे हमें ट्रीट देगी। मैंने इनको ट्रीट देनी है, बस इसे पहले कर देना ताकि ईद के बाद हम ले लेंगे। आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके गाइस तो मैंने अपना हाथ दिखाया, और इंशाल्लाह तुम बताओ पर बाबा ने क्या क्या कर लेयर कर दिया, लेवल मतलब मुझे नहीं यार, देखो जो होना होता वो है जो अल्लाह ताला चाहता है, ठीक है, और वही होना है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन जो भी था ना वो था जो मेरा दिल कहता है, मतलब मैं ये हैरान हूँ कि आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरी जो मेरी सोच है वो ये है, मुझे बहुत मैंने बता सकती मैं नहीं बताऊँ किसी को। खैर बहुत अच्छा था वो, जो भी था वो बहुत अच्छा था, अल्लाह पाक वही सब इंशाल्लाह मेरे साथ हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ वो तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ठीक है, जबकि मेरे हाथ में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो होते थोड़े बहुत, पता नहीं मैं नेचुरल है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, इंशाल्लाह मैं करूँगी ट्राई कि मैं एंगजाइटी से बहुत दूर जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, करूँगी ट्राई इंशाल्लाह। तो अभी हम दिल से निकलने लगे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और मैं बाबा कॉल कर देती हूँ कि आगे जाके हम पिक कर लेंगे, लोग हमें यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, फिर वहाँ से बाबा पिक कर लेंगे, तो फिर जल्दी से फिर हम चलते हैं। तो ओके गाइस अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंशाल्लाह आगे और भी बहुत से अच्छे व्लॉग्स आएंगे। आई थिंक वो शॉपिंग व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, उनके शॉपिंग भी जाना, फिर देखते हैं मुझे क्या ईद के लिए फाइनल करना है मैंने, तो आप मुझे जरूरत है कि कौन सा ड्रेस अच्छा कौन सा नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ओके तो मुझे तो हमें याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।